عاشق چھ آہار نعمت زن پتن پہار پیامت در غم پیم یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا قصدن علمن ہند تاجدار اکنا جان بند ہے نبی مختار اکنا मुल्क की दारुलहुकूमत दिल्ली में रोशनी और गुलाब की खुशबू से मुअत्तर हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार एक अनोखा मंजर पेश करता नज़र आता है। मज़ार को जाने वाली तंग गलियों की दोनों जानिब दुकानों पर फूल और मज़ार पर चढ़ाने के लिए चादरें सजी नज़र आती हैं। इन्हीं सजे हुए रास्तों से गुजरकर सैकड़ों लोग रोजाना दरबार पर हाजिर होते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया के मज़ार के अहाते में ही हजरत अमीर खुसरो का भी मज़ार है और आम तौर पर लोग अमीर खुसरो के रोजे पर हाजिरी देते हुए ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के रोजे पर सलाम के लिए आते हैं। दरगाह पर हाजिरी देने वालों में से अक्सर दुनिया से बेनियाज अपनी मस्ती में गुम निज़ामुद्दीन औलिया के रोजे पर अकीदत के आंसू बहाते दिखाई देते हैं। बरसग़ीर के बुलंद पाया वली कामिल हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी हर एक अकीदतमंद के लिए दिल को सुकून पहुंचाने वाला और रूहानियत से भर देने वाला मंजर साबित होता है। ये एक ऐसी दरगाह है जहां सिर्फ प्यार और मोहब्बत का नज़ारा देखने को मिलता है। न मज़हब की कोई दीवार और न ही फिरकाबंदी की जंजीर। मुल्क के कोने कोने के अलावा दुनिया भर से हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी देने के लिए जायरीन इस तरह अकीदत का मुजाहिरा करते हैं जैसे इन सब को महबूब इलाही की दरगाह पहुँच कर चैन व करार नसीब हुआ हो। मैं 1.5 साल के बाद हजरत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह पर आया हूँ और यहाँ पर आकर के मैंने अभी चादर चढ़ाया फूल का और हमने दुआ किया है कि या निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह में कि जल्द से जल्द ये कोरोना जैसी वायरस पूरे हिंदुस्तान से गायब हो ताकि लोग अपने अपने रोजगार में लगे। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले चिश्तिया के मारूफ सूफी बुजुर्ग हैं जिनका सिलसिला निस्ब इमाम हुसैन तक पहुंचता है। आपका असल नाम सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और वालिद का नाम सैयद अहमद बुखारी है। आपके अलकाबात निज़ामुल औलिया, महबूब इलाही, सुल्तानुल मशायक, सुल्तानुल औलिया और जरी जर बख्श वगैरह हैं। अल्लाह ताला ने आपको कमाल जज्ब फैज़ अता फरमाया है। अहल दिल्ली को आपकी बुजुर्गी का इल्म हुआ तो आपकी ज़ियारत और फैज़ो बरकत के हुसूल की खातिर ग्रोह दर ग्रोह आने लगे और उनकी तादाद में रोज़ अफजों इजाफा होने लगा।
वक्त के बादशाह और उमरा भी आपसे अकीदत का इजहार करते। आपके लंगर खाने में हजारों मन खाना पकता और हजारों की तादाद में फुकरा और मसाकीन इस खानका से खाना खाते हैं। गर्जा रहमतुल्ला अलैह की दरगाह अमन मोहब्बत और रवादारी और मजहबी हम आहंगी का बहता चश्मा है, जिसे हर एक सैराब होता है। जो भी आपकी बारगाह में आया है हजरत के आसन के अंदर, वो कभी यहाँ से खाली नहीं गया। आपकी दुआ से अल्लाह ताला ने उसके वो काम बनाए, चाहे उसमें चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो या कोई से भी और भी कोई धर्म के फॉरनर्स या कोई भी हो, यहाँ हजरत के दरबार में सब लोग आते हैं और यहाँ से खुश होकर हजरत के आसन से जाते हैं। वही पैगाम हमारे बुजुर्गों ने, और ख़ासतौर से मैं भी यही पैगाम देता हूँ कि हजरत के दरबार में जो भी आए वो साथ इज्जत साथ खैरियत के साथ आए, और यहाँ जब आए वह हजरत के आसन में हजरत से ब्लेसिंग लेके आपसे दुआ करके अल्लाह ताला आपके वसीले से उसका काम बनाए और यहाँ से वो साथ इज्जत साथ खैरियत के साथ खुशियों के साथ यहाँ से जाए। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म। हर बरस हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्ला अलैह का सालाना उर्स मुबारक हिंदुस्तान में अकीदतो एहतराम के साथ मनाया जाता है। उर्स पाक की सबसे बड़ी तकरीब निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्ला अलैह की दरगाह पर ही मुनक्किद होती है। पाँच दिन तक चलने वाले इस उर्स में सुबह से शाम तक रौनक अफरोज नज़ारे देखने को मिलते हैं। सुबह में दरगाह के सहन में बड़े कल के रस्म अदायगी और इसमें हजारों की तादाद में लोगों की शिरकत रूह परवर माहौल कायम करता है। अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत जिस तरह लोग अपनाइयत और खलूस मोहब्बत का मुजाहरा आपस में करते हैं, वो काबिले दीद है। इस दरगाह पर अकीदतमंद अपनी मन्नतों की चादरें चढ़ाते हैं और गिलहाए अकीदत पेश करते हैं। है तेरी रोशनी में वो दम, तो अमावस को कर दे पूनम। इंसानों के लिए मखलूक खुदा की खिदमत के लिए इन्होंने काम कर रहे हैं, किया है, लोगों को एक जगह किया है और आज भी उनकी नक्श कदम पर चल रहे हैं और ता कयामत इनके दरबार से लोगों को फैजान होता रहेगा, फैज पहुंचता ही रहेगा। ये तो दुनिया के लिए आए थे, दुनिया को फैज पहुंचाने के लिए, उनकी हर तकलीफ को दूर करने के लिए। औलियाए अज़ाम ईमान व यकीन, इताअत व इबादत, तक़वा व तहारत और पाबंदी शरीयत की वजह से काबिल एहतराम हैं और आइंदा भी इनका यकीन, इनकी परहेजगारी, इनकी खुदा तरसी और इनकी हक शनासी करोड़ों नफूस खास तौर पर नौजवानों की हिदायत और बेशुमार इंसानों की रहनुमाई के लिए निशान राह का काम अंजाम दे। बंदगी का मेरा अंदाज जुदा होता है, मेरा काबा मेरे सजदों में छुपा होता है। म्यान जिंदगी हुंद अंदाज छो जुदा आसान, म्यौन का वुछ पोशिद म्यान सजदन मंज।